हेलो स्टूडेंट। हेलो मैम। हाउ हेलो। आर यू ऑल? एम फाइन। बेटा आई एम व्हाट फाइन। अबाउट मैम यू? व्हाट अबाउट यू? बेटा आई एम फाइन। आई होप आज का जो मौसम है वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, है ना? यस मैम। यस यस। मैम। ऐसे जब ऐसा मौसम होता है तो बहुत पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो दैट्स आई होप आप सभी इंटरेस्ट लेकर के इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। ओके बेटा, दिव्या यू टेल यस चैप्टर्स नेम। दिव्या टेल। मैडम, यस बेटा अमन, यू टेल। मैम मैम क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। क्वेश्चन ग्रामर। ओके सावित्री, यू टेल। मैम आ क्वेश्चन ऑफ ग्रामर। ओके मीन्स आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। यस मैम। यस मैम। सभी को स्टोरी समझ में आई? यस मैम। यस बेटा, थीम स्टोरी की थीम पर, स्टोरी की समरी पर ही टोटल आपका क्वेश्चंस रिलेटेड है उसी से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। व्हाट सजेशन डिड विलियम्स मदर कम अप विथ व्हेन ही कंप्लेंट ऑफ बोर्डम। बेटा जब उसने कंप्लेंट किया विलियम ने कि वो बोर हो रहा है, बोर्डम हो रहा है, तो उसकी माँ ने क्या सजेशन दिया था? What suggestion did William's mother come up with when he complained of boredom? Ruchi, you tell. Very easy questions. Starting, सर जब आपने स्टोरी पढ़ी थी। मैम, यस बेटा। विलियम मदर विलियम व्हेन कंप्लीट कंप्लेन टू बोर्डम द सी ही सी दैट ही वाज रीडिंग एंड ड्राइंग एंड नीटिंग, बट ही नॉट लाइक दैट वर्क। He liked to play games and play with friends. ओके निहारिका, यू टेल। निहारिका टेल। 1 सेकंड बेटा, अनिल थोड़ा सा वेट कीजिए, सभी का नंबर आने आएगा जरूर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। दिव्या, यू टेल। बेटा आप लोग साइलेंट हो जाते हो, क्या मतलब है इसका? अनुप्रिया, मैं आई कैन। अनुप्रिया सभी अपना वीडियो ऑन कीजिए। यस मैम। यस बेटा टेल अनुप्रिया। मैम क्वेश्चन फर्स्ट का, मैम विलियम मदर कम अप विद हिम व्हेन ही कंप्लेंट द बोर्डम। सी सेज दैट यू कैन रिवाइज योर लेसन्स एंड ड्रॉ एंड यू कैन ऑल्सो नीटिंग। यस बेटा, वेरी गुड। तो बेटा लेकिन आप जो सेव यूज कर रही हैं वहां पर आप सैड यूज कीजिए। सैड इसलिए यूज करेंगी, आपका ये डिड फॉर्म है, मींस पास्ट टेंस है। ओके यस तो मैम। विलियम्स यस मदर सैड द विलियम व्हेन ही कंप्लेंड ऑफ बोर्डम। जब वो बोर्ड हो रहा था तो उसकी मम्मी से से सजेशन दिया, एडवाइस दिया। एडवाइस भी आप कर सकती हैं, सजेस्ट भी कर सकती हैं, या फिर सैड भी यूज कर सकती हैं। तो क्या सजेशन दिया कि हिज मदर सैड टू अबाउट क्या है, आर्ट ड्राइंग, यस अबाउट द वर्क ड्राइंग, या फिर आप उसे नीटिंग करने के लिए स्पेशल रूप से उसकी माँ ने कहा था कि आप नीटिंग करो ना। यस मैम। बेटा तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई होप आप लोग सभी लोग कर भी लेंगे, है ना? यस मैम।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. व्हाट डिड ईथल टेल विलियम व्हेन ही वेंट इनटू द ड्राइंग रूम. हाउ वाज हर रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम रॉबर्ट. बेटा हु इज ईथल. ईथल कौन है? विलियम सिस्टर्स. व्हेन द सिस्टर विलियम विलियम सिस्टर. एंड रॉबर्ट कौन है? हु इज रॉबर्ट? मैम द ब्रदर ऑफ विलियम. द ब्रदर ऑफ विलियम. विलियम. ओके तो सावित्री यू टेल. यस मैम. व्हाट डिड ईथल टेल? ईथल ने क्या कहा विलियम से व्हेन ही वेंट इनटू द ड्राइंग रूम. जब ड्राइंग रूम में विलियम जाता है तो ईथल क्या कहती है विलियम से? एंड How was her reaction different from Robert? Robert से उसका reaction, उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? कैसे different होती है? क्या different है? First question, what did Ethel tell William when he went to the drawing room? Yes, Savitri. यस टेल बेटा सावित्री. आपने चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या? सौरभ यू टेल. मैम. यस सौरभ. मैम आई टेल. चलिए अमन यू टेल. मैम द विलियम सिस्टर इज सैड दैट सर Shut the door when you go out, he said his sister. Okay, means Ethel told William. Ethel, अभी के tell है यहाँ पर या हम told write करेंगे? क्योंकि ये did form है, past tense है. तो Ethel told William when he went to the drawing room. That. अब क्या कहा था Ethel ने? Ethel ने कहा था What are you doing, William? जैसे ही इथल विलियम अंदर गया तो इथल ने उससे कहा What are you doing, William? William, क्या कर रहे हो? And then you came go out into the from this room, drawing room. Then you shut the door. अगर तुम जब जाना यहाँ से when you come back. जब तुम वापस जाना तो क्या करना? दरवाजे को बंद कर देना. इथल ने ऐसा ही कुछ कहा था? यस मैम. यस मैम ऐसे ही कहा था. निहारिका आपको स्टोरी रिमेम्बर है? यस बेटा. तो दास ये सिचुएशन आई थी? यस मैम. ओके तो मीन्स आप देखिए Yes, ma'am, आई थी सिचुएशन. क्या कर रहे हो जब इस रूम से बाहर जाना तो दरवाजे को बंद कर लेना बेटा. What did Ethel do? That time Ethel क्या कर रही थी? Ma'am, the Ethel is knitting. Ma'am, knitting a jumper, and talking his friend. Jumper. Knitting. With and अपनी friend से talking कर रही थी. Remember है सभी को ना? Yes, ma'am. Okay, अब आपके पास क्वेश्चन इसका बी क्वेश्चन है. How was her reaction? उसका रिएक्शन कैसा था डिफरेंट फ्रॉम द रॉबर्ट. रॉबर्ट से उसका रिएक्शन कैसा था? रॉबर्ट ने क्या कहा था? अब जब ये आप सोचेंगे कि रॉबर्ट ने क्या कहा था विलियम से तभी तो आप दोनों में डिफरेंट कर पाएंगे. तो टेल बेटा अनुप्रिया यू टेल. रॉबर्ट ने क्या कहा था विलियम से जब विलियम उसके पास लाइब्रेरी में गया था? मैम कोई भी चलिए कोई भी बताइए. निहारिका सचिन दिव्या. मैम व्हेन विलियम गो टू द लाइब्रेरी व्हेन हिज ब्रदर रीडिंग द बुक देन हिज ब्रदर से दैट गो आउट नॉट कम इन दिस रूम. यस बेटा गेट आउट. उसने उसे वहां से भगा दिया था.
गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ। वो भी राइफल दिखा रहा था अपने फ्रेंड को ना। यस मैम। तो जब वो वहां पर गया रॉबर्ट जहाँ पर था लाइब्रेरी रूम में, तो जैसे ही रॉबर्ट की आईज उसकी पुस्तक पड़ती है, उसकी आई साइड जैसे ही पड़ती है, वो तुरंत कहता है गेट आउट फ्रॉम हियर, और विलियम गॉट आउट, विलियम वहां से चला जाता है। अब आपको बताने में बहुत ही इजी है कि इथल का रॉबर्ट से क्या बिहेव में क्या डिफरेंट था। मैम बहुत ही इजी हो गया आपको। इथल ने बहुत ही स्वीटली कहा था ना, बहुत ही स्वीटली कहा था, व्हाट आर यू डूइंग हियर विलियम, यू गो बैक बेटा रुचि। मैम इथल सेड स्वीटली टू विलियम्स एंड रोबोट वाज से बिट एंग्री। ओके वेरी गुड। तो हर बिहेवियर, हर रिएक्शन वॉज स्वीट, हर रिएक्शन, हर बिहेवियर वॉज स्वीट फ्रॉम रोबर्ट। रोबर्ट तो उसका बिहेवियर कैसा था, मीठा था, मधुर था। अंडरस्टूड? यस मैम। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप लोग कर लेंगे? यस मैम कर लेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो 5 सेकंड में? हम नो नो मैम। सो व्हाट इज द टॉपिक, व्हाई डिड विलियम हैव एनी विलियम के पास मित्र, एनी मित्र, कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी मित्र क्यों नहीं थे? व्हाई रीजन मैडम? यस यस मैडम बेटा टेल मैम, द विलियम हैज एनी फ्रेंड्स, द विलियम हैव एनी फ्रेंड ओवर बिकॉज विलियम डिड नॉट give party of his friend. Savitri, you tell. Ma'am, William have any friends? No, because William is ma'am children. Pita, William ke paas friends kyun nahi thi? Kya reason tha? Ma'am, the William have Ma'am, the William have did not any friend over because William is very naughty and he is not a smart child, but and also he is not help of his friends and not give party. So his friends is not over William. Yes, ma'am. Anupriya, you tell. Anupriya. William didn't have any friend over because he was very naughty boy. And he doesn't give a party to his friends. Divya, you tell. Yes, Divya. William had no any friend because he is naughty boy and no give a party to friends. Niharika, you tell. No, madam. Niharika, आप अपना माइक ऑन कीजिए, आपको मेरी वॉइस जा रही है, मैंने कई बार क्वेश्चन आपसे किए। बैठ गया बेटी, ये आपकी बहुत गलत बात है, आप हर बार यही करती हैं, हर क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ बॉट बेटा, तभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे, उसके बाद आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। विलियम डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स ओवर बिकॉज
because he was a naughty boy and the rainy day and the family did not permission to his come out go outside. Hello everyone. Hello beta. अमन सौरभ आपको मेरी वाइस जा रही है. हेलो बेटा रुचि दिव्या अमन मेरी वाइस जा रही है आपको. बेटा सावित्री हेलो बेटा हमारे में भी इतना टेंशन करें कि प्रॉब्लम कितने सब लोग चला रहे थे.
हूँ।